हेलो नमस्कार, मैं निमिष भंसाली स्वागत करता हूं आपका खबरों के पंचनामे में। जी हां, तो चलिए करते हैं कुछ खबरों का पोस्टमार्टम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पिछले 3 दिनों से दिल्ली में राहुल गांधी के घर के सामने खड़े हुए हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, लेकिन राहुल बाबा हैं कि उनसे मिलना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि मैं उनसे तभी मिलूंगा जब अशोक गहलोत इस बात को स्वीकार करें कि राजस्थान में कांग्रेस की हार का कारण अशोक गहलोत है। अरे भाई, चलिए अगर मान भी लिया तो बाकी राज्यों में कौन बात करेगा। अब आपको कैसे समझाएं कि सोशल मीडिया के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, क्योंकि सोशल मीडिया की जो भी खबर हो उस पर अपना दिमाग जरूर लगाएं, क्योंकि सोशल मीडिया के गुरु कहीं से भी हो जाते हैं शुरू। जी हाँ, अभी हाल ही में एक खबर किसी ने वायरल कर दी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अरुण जेटली का दुखद निधन हो गया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। इस पर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा को ट्वीट करना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं स्वयं उनसे जाकर मिला हूं। हाँ, ये सच है कि वो बीमार जरूर है, पर बीमार का मतलब भावभीनी श्रद्धांजलि नहीं होता है। ऐसी एक खबर श्रीलंका के क्रिकेटर सनत जयसूर्या को लेकर वायरल की गई एक न्यूज वेबसाइट द्वारा 21 मई को कि सनत जयसूर्या का कनाडा में कार दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। इस खबर को सुनकर जयसूर्या को खुद सामने आना पड़ा और ट्वीट करना पड़ा कि मैं तो कभी कनाडा गया ही नहीं हूं। और वेलकम फिल्म के स्टाइल में उन्होंने भी कहा कि अभी हम जिंदा हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब भी जानकारी ले तो थोड़ा सोच समझ कर ले। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से उतने नाराज नहीं है जितने अपने प्रशंसकों और समर्थकों से है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि मेरे समर्थक और मेरे प्रशंसक कई बार मेरी प्रशंसा के चक्कर में क्या कहना है ये भूल जाते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। क्योंकि हाल ही में हरियाणा के एक वरिष्ठ नेता और राज्य में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने नरेंद्र मोदी की चरखे के साथ फोटो को देखकर यह कह दिया कि जब तक चरखे पर गांधी जी का फोटो था तब तक खादी ग्रामोद्योग घाटे में जा रहा था, अब धीरे धीरे नोट पर भी गांधी जी हटने वाले हैं। अरे भाई विज जी, आपको हम समझा रहे हैं कि जो भी बोले सोच समझ कर बोले, वरना नोट से गांधी हटे कि ना हटे आप कहीं से भी हटाए जा सकते हैं। खैर, हमारा काम तो कहना है, आगे की बात करते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कई कांग्रेसी नेता सिर्फ एक दूसरे से इसलिए भिड़ लिए क्योंकि वो उस समय एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे जिस समय प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी के हत्यारे इस कमरे में भी बैठे हुए हैं। खैर, अपनी अपनी खबरें हैं, अपनी अपनी बातें हैं। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कनाडाई एस्ट्रोनॉट डेविड सेंट जेकस ने जब अंतरिक्ष में अपने घर से लाए हुए सामान में से शहद का डब्बा निकाला और उसके साथ अंतरिक्ष में खेल खेला जीरो ग्रेविटी पर, तो ये वीडियो बहुत ही वायरल हुआ। तो एस्ट्रोनॉट जो डेविड थे वो खुश होने की जगह चिंतित हो गए जब उनसे पूछा गया उनकी चिंता का कारण, तो उन्होंने कहा ये वीडियो के वायरल होने से मैं उतना चिंतित नहीं हूं जितना इस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक फोन आ रहा है। हमने पूछा भाई फोन किसका है, तो उन्होंने कहा कि कोई बाबा है जो लगातार उन्हें फोन लगा रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखो बेटा, देखो हमें कोई चिंता नहीं है और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि वो शहद के डब्बे पर तुम स्टिकर हमारा लगा दो। खैर, अब वो बाबा कौन है हम तो नहीं जानते, आपको पता चले तो जरूर बताइएगा। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कप के पहले जो वार्म अप मैच हो रहे हैं उस मैच में बांग्लादेश के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने 113 रन बनाए, टक 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 हर जगह छक्के और चौके। इस पर बांग्लादेश के कप्तान मशरफ मुर्तजा ने कहा, क्या कहा, ये कहा कि शतक धोनी ने अपनी मेहनत से ज्यादा सूझबूझ से बनाए हैं, क्योंकि शतक भी वही लगा रहे थे और हमारे खिलाड़ियों को फील्डिंग कहां करना है ये भी वही बता रहे थे, तो शतक तो बन ही जाएगा ना। खैर, तो दोस्तों ऐसी और भी बहुत सारी खबरों के साथ हम खबरों के पंचनामे में आपके साथ अगली खबर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए निमिष भंसाली को इजाजत और टैलेंटेड इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू। अगर
आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।